नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। टेलीफोन ग्राहकों को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्राई ने जारी किया नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना। 2033 तक उपयुक्त रहेगी यह नवीन नंबरिंग प्रणाली। CUPB ने जारी किया अ रिमाइंडर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से लघु वीडियो। देश के युवाओं को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है उद्देश्य। कोरोना कहर झेल रहे महाराष्ट्र और गुजरात पर हीका चक्रवात की मार, हो सकती है भारी तबाही। और अब आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में टेलीफोन उपभोक्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या या यूनिकली आइडेंटिफिएबल नंबर यानी UID उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने देश में नवीन नंबरिंग योजना या नेशनल नंबरिंग प्लान या NNP को शीघ्र लागू करने की सिफारिश की है। दूरसंचार विभाग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU के दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र अनुशंसकों के आधार पर फिक्स्ड यानी लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क नंबरों का प्रबंधन करता है। आपको बता दें कि नंबरिंग संसाधनों का प्रबंधन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी नेशनल नंबरिंग प्लान के तहत किया जाता है। ट्राई की माने तो हाल ही में टेलीकॉम सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिला है और साथ ही साथ कनेक्शनों की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। लिहाजा उपलब्ध नंबरिंग संसाधनों विशेषकर मोबाइल सेगमेंट में इसकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो नंबरिंग योजना उपलब्ध है उसे 2003 में अपनाया गया था। एक अनुमान के अनुसार नवीन नंबरिंग प्रणाली साल 2033 तक उपयुक्त रहेगी। ट्राई ने सिफारिश किया है कि ऐसे किसी भी बदलाव से पहले वर्तमान में 10 अंकी मोबाइल नंबर प्रणाली के स्थान पर 11 अंकी मोबाइल नंबर प्रणाली को अपनाना, ऑपरेटरों द्वारा बंद किए गए मोबाइल नंबरों को टेलीकॉम कंपनियों को पुनः आवंटित करना, लैंडलाइन से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे 0 का प्रयोग करना जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। आपको बताते चलें कि लैंडलाइन से इंटर सर्विस एरिया में मोबाइल कॉल के लिए नंबर की शुरुआत में 0 लगाना होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाने में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे 11 अंकों की प्रणाली अपनाने से ग्राहकों को अतिरिक्त अंक डायल करने और फोन मेमोरी को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। इससे टेलीकॉम कंपनियों को नंबर डायलिंग त्रुटियों और राजस्व हानि का भी सामना करना पड़ेगा। देश के युवाओं को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा ने अ रिमाइंडर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से एक लघु वीडियो जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UGC के निर्देशानुसार CUPB के EBSB क्लब ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत और कुलपति प्रोफेसर RK कोहली के दिशा निर्देशन में इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो का उद्देश्य देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, COVID-19 से मुकाबला करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी निषेधात्मक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ सभी को संकल्प से सिद्धि की ओर अभियान का हिस्सा बनाने के लिए अपील करना है। इस वीडियो में देश भर के 28 विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 CUPB EBSB क्लब के छात्र स्वयं सेवकों ने भाग लिया और मौलिक कर्तव्यों का अनुवाद अपने अपने राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में किया। गौरतलब है कि मौलिक कर्तव्यों का भारत के मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। इसे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, लेकिन 2003 में किए गए 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। कोरोना महामारी का कहर झेल रहे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य पर अब हीका चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय में हीका दस्तक दे सकता है।
मौसम विभाग की माने तो जिस समय यह चक्रवात जमीन से टकराएगा उस समय हवा की गति तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 9 टीमों की तैनाती कर दी गई है। इनमें से 3 टीमें मुंबई, 2 पालघर और ठाणे में, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में एक एक टीम को तैनात किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि यह तूफान गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कक्ष की ओर जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि यह तूफान कक्ष के कांडला और आसपास के इलाकों में भारी तबाही ला सकता है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर अगले 48 घंटों के दौरान एक निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, जिसके बाद यह और तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलेगा। उसके बाद और तीव्रता बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। अरब सागर के द्वीप डिप्रेशन के चलते गुजरात के समुद्री किनारों पर एक नंबर सिग्नल जारी कर दिया गया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पहले यह चक्रवात ओमान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग ने बताया है कि यह तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। आपको बताते चलें कि आधिकारिक तौर पर इस तूफान का नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। ऐसा तब तक नहीं किया जाता जब तक कि निम्न दबाव का क्षेत्र साइक्लोनिक तूफान में तब्दील नहीं हो जाता। निम्न दाब का क्षेत्र अगर तूफान में बदलेगा तो इसका नाम निसर्ग होगा। हालांकि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इसे हीका नाम से ही शेयर किया जा रहा है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी परीक्षाओं से। पिछले वर्ष टाटा स्टील कोलकाता 25 के प्रतियोगिता जीतने वाली लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर विश्व एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा ने प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधित दवा लेने की पुष्टि वाडा की दोहा स्थित अधिकृत लैब में जांच के बाद हुआ। उनके प्रतिबंध की अवधि 15 दिसंबर 2019 से शुरू हो गई है। इसी दिन उनसे नमूने इकट्ठे किए गए थे। विश्व एथलेटिक्स 26 फरवरी को उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। एथलेटिक्स नैतिकता इकाई ने कहा कि इस दौरान उनकी सभी स्पर्धाओं के नतीजे रद्द माने जाएंगे, साथ ही सारे खिताब, पुरस्कार, पदक, इनामी राशि वापस ले ली जाएगी। कौर ने पिछले वर्ष मार्च में पटियाला में फेडरेशन कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में कांस्य पदक के साथ गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर प्रांत चैंपियनशिप में 5,000 मीटर में रजत पदक जीता था। वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसी अवसर पर प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1963 में 12वां संविधान संशोधन पारित करके गोवा को भारत का आधिकारिक रूप से अभिन्न अंग घोषित किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। फिर आगे चलकर 30 मई 1987 को गोवा को दमन और दीव से अलग करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामित किया है। साथ ही बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामांकित किया है। भारत सरकार का युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने बीसीसीआई से खिलाड़ियों के नाम मांगे थे, जिनका चयन 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। इससे पहले उपकप्तान रोहित शर्मा वर्ष 2019 में आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। रोहित शर्मा एक विश्व कप में 5 शतक लगाने के साथ साथ विश्व कप 2019 के ग्रुप स्टेज में 647 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर और मैथ्यू हेडन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। 30 मई 2020 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी और 20 ग्रैंड स्लैम के विजेता रोजर फेडरर पहले स्थान पर हैं।
फेडरर की कुल कमाई तकरीबन 106.3 मिलियन डॉलर जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार तकरीबन 800 करोड़ रुपए है। इस सूची में 105 मिलियन डॉलर कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एकमात्र भारतीय के रूप में इस सूची में शामिल किए गए हैं। 26 मिलियन डॉलर तकरीबन 196 करोड़ रुपए कमाई करने वाले विराट कोहली को 68वें स्थान पर रखा गया है। आपको बताते चलें कि इस सूची में विराट कोहली 2019 में 100वें और 2018 में 83वें स्थान पर थे। विराट कोहली ने 24 मिलियन डॉलर की कमाई प्रचार और ब्रांड एंडोर्समेंट से और 2 मिलियन डॉलर की कमाई वेतन और पुरस्कारों से की है। 31 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने मासिक मन की बात संबोधन के दौरान सभी लोगों से आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा एक संयुक्त प्रयास माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। यह प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस करता है और 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कार्यकलापों में से एक है। यह प्रतियोगिता 31 मई 2020 से आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव हो गई है। विगत कई वर्षों से इस दिवस का सार्वजनिक स्थानों पर सद्भावनापूर्वक सामूहिक प्रदर्शन होता रहा है। कोविड-19 के मद्देनज़र इस बार सामूहिक भागीदारी उचित नहीं होगी। ऐसे में मंत्रालय लोगों को उनके घर पर ही पूरे परिवार की सहभागिता के साथ योगाभ्यास करने को प्रोत्साहित कर रहा है। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भागीदार का समर्थन करेगी। यह वीडियो प्रतियोगिता सभी देश के प्रतिभागियों के लिए खुली होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।